Hello to all the future CMAs. How are all of you? I hope all of you all are doing absolutely good, keeping safe. And अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है अपने जून 2024 अटेम्प्ट का. And I wish you all the very best in advance. I hope that all of you pass with flying colors and सबके एग्जाम बहुत अच्छे जाए, रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे आए. थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियो फॉर द स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80+ इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट. मेरी वो वाली वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए फॉर गिविंग द एबीसी एनालिसिस फॉर द जून 2024 अटेम्प्ट. एंड हियर आई एम विद द सेम फॉर ऑल ऑफ यू. फटाफट से मैं आपको ये पूरा आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, कौन कौन से हैं जिनको आप थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हैं, कौन कौन से हैं जो टाइम कम होने की वजह से आप बस एक रीडिंग में या फिर थोड़ा बहुत स्किप करके भी जा सकते हो. तो ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना. एबीसी कैटेगरीज आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे फिट की है. आपको हर चैप्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी में फिट होता दिखेगा. एंड डू मग अप विद योर प्रिपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द एबीसी एनालिसिस, बिकॉज जितने स्ट्रैटेजिकली आप पढ़ेंगे एंड जितने मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी रिविजन करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. बिकॉज ये वैसे भी एंड टाइम है, सारे सब्जेक्ट्स को हमने साथ में लेके चलना है. इट्स नॉट दैट द ओनली वन सब्जेक्ट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल द रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स. या फिर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, तो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल द रेस्ट 7 सब्जेक्ट्स एज वेल. एंड सबकी प्रिपरेशन इक्वल हो, बहुत अच्छी हो, इसलिए हम स्ट्रैटेजिकली अब अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे. तो रिविजन जो है हमेशा स्टार्ट करिए एबीसी एनालिसिस के बाद ही, बिकॉज जो कैटेगरी ए के चैप्टर्स है पहले उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, देन मूव ऑन टू कैटेगरी बी एंड देन कैटेगरी सी. ए और बी कैटेगरी करने के बाद आप किसी और सब्जेक्ट के रिविजन में वहाँ के ए बी कैटेगरीज पहले रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल एक स्मूथ प्रिपरेशन हो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड नॉट ओनली अ सिंगल वन. आज फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का कैटेगरी वाइज ए बी सी एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर रजिस्टर्स और डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर स्टडी मटीरियल्स अलॉन्ग विद यू. ये वीडियो आप अपने स्टडी मटीरियल को अपने साथ रख के पढ़ें, ताकि जो चैप्टर जिस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है आप पेन से उसको वहीं पे मार्क कर दें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मुझे ये चैप्टर तो अच्छे से करके जाना ही है, एंड अपनी रिविजन में इस चैप्टर की मेरी रैंकिंग जो है वो क्या होने वाली है. चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज योर जून 2024 अटेम्प्ट की एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, विच इज योर ए बी सी एनालिसिस फॉर द पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट. ए बी सी एनालिसिस जो है वो मैंने आपको दिया यहाँ पे आपके पूरे कोर्स को गो थ्रू कराते हुए कि किस तरीके से आपका कोर्स ऑलरेडी पूरा डिवाइडेड है. सबसे पहले आपका सेक्शन ए है 50 मार्क्स का जो आपके स्टडी मटीरियल में है, एंड देन रिमेनिंग सेक्शंस जो है सेक्शन बी सी एंड डी वो है रिमेनिंग 50 मार्क्स के. एक बार पहले सेक्शन ए देखते हैं कि सेक्शन ए जो आपका 50 मार्क्स का है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं. ये सारे जो लेफ्ट साइड दिए हैं ये सारे आपके सेक्शन ए के चैप्टर्स हैं, और ये सारे एक साथ 50 मार्क्स के हैं. देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, देन कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, देन कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन, एंड प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. ये सारे चैप्टर्स मिला के आपके 50 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स. ये 3 चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रफली कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स वाला ही चैप्टर अराउंड 20 मार्क्स 15 to 20 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. तो इसीलिए ये 3 चैप्टर्स जो मैंने अभी हाईलाइट किए हुए हैं ये आप अपने कैटेगरी ए में रखिए. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड ये चैप्टर्स आपने हमेशा ही पूरे पूरे करके जाने हैं. रिविजन में सबसे पहले यही चैप्टर्स उठाने हैं, इनके पास्ट ईयर क्वेश्चन, इनका जितना भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो भी रिविजन है, सब कुछ आपने अच्छे से इनका करके जाना है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द कैटेगरी बी चैप्टर. कैटेगरी बी में आपका आएगा
कॉस्ट ऑडिटर वाला चैप्टर, जिसके अंदर आपका प्रोफेशनल एथिक्स, उनका अपना प्रोफेशनल बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट, वो सारी चीजें आती हैं। तो वो कॉस्ट ऑडिटर वाला चैप्टर आपका बी कैटेगरी का, क्योंकि कभी कभी उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस एक बार देख के इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके आगे आप ऑलरेडी बी लिखा देख रहे हैं, विच इज द कैटेगरी बी। मेक श्योर कि साथ साथ में आप अपने स्टडी मटेरियल में चैप्टर वाइज मार्किंग ये करते रहें। कॉस्ट ऑडिटर आपका हो गया है कैटेगरी बी का। ये जिन पे स्टार मार्क था, ये आपके हैं कैटेगरी ए के, जो मैंने पहले हाईलाइट किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके बाद द नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग बचे हैं, जिनके आगे आप सी ऑलरेडी देख रहे हैं, ये हैं आपके कैटेगरी सी के चैप्टर्स। बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट बहुत कम है कि एग्जाम में कभी इससे कुछ पूछा जाए, बट हाँ जो लिमिट्स वगैरह थी वो तो आपके कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स में क्योंकि कवर हो जाती है, तो बेसिक्स में से कभी ईयर का कुछ पूछ लिया, कोई एमसीक्यू आ गया, कुछ छोटी मोटी चीज़ आ गई, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो पहले आते थे, कुछ उस टाइप का छोटा मोटा, अगर एक दो मार्क का आपको इधर उधर हो गया तो वो हो सकता है। देन कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, ये भी सी कैटेगरी का है। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन, अगेन सी कैटेगरी चैप्टर, एंड द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, अगेन सी कैटेगरी चैप्टर, जिसके अंदर से आपको बहुत कम, कभी कभी कुछ ना कुछ छोटे छोटे मार्क्स का पूछा हुआ दिख सकता है अपने एग्जाम में। तो ये जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स थे जो येलो से हाईलाइट हुए हैं, एंड ये जो बी कैटेगरी का जो पिंक से हुआ हुआ है कॉस्ट ऑडिटर, ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। आपका टोटल सेक्शन ए में से जो 50 मार्क्स का है, ये सारे चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो भी मैंने लास्ट में अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, ये सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, इनको आप सिर्फ एक छोटा सा रीड दे के भी छोड़ सकते हैं। कमिंग टू द रिमेनिंग सेक्शंस, अब आपके सेक्शन बी, सी और डी। सेक्शन बी है आपका 25 मार्क्स का, सेक्शन सी आपका 15 मार्क्स का, एंड सेक्शन डी आपका 10 मार्क्स का। टोटल मिला के ये आपके 50 मार्क्स हो गए। 50 मार्क्स के आपके ये तीन सेक्शंस हैं, एंड 50 मार्क्स का अकेला वो सेक्शन ए था। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं पहले वो देखते हैं। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इशूज, मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, देन आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज वी हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये बहुत सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं पहले मैं आपको वो बताती हूँ, जिनके आगे स्टार मार्क है, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहां से जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आपकी लिस्ट है जो सेक्शन बी, सी और डी में से है, वो है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्टिंग इश्यूज एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, एंड ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। ये आपके चैप्टर सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी सबसे ज़्यादा अच्छी खासी वेटेज आपके एग्जाम में देखी जाती है। तो इसीलिए मेक श्योर कि ये चैप्टर्स भी आप अपने कैटेगरी ए में मार्क करें अपने अपने स्टडी मटेरियल्स में राइट नाउ, एंड ये चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। इनमें से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि आप ढंग से रिवाइज नहीं करें या छोड़ के जाएं, अगर आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड वैसे भी जब सब्जेक्ट का सिलेबस लिमिटेड होता है तो आप अपने तरीके से इस तरीके से प्लान आउट करते हैं कि हम किसी ना किसी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन स्कोर कर लें, कि अगर कोई और सब्जेक्ट हमारे पास थोड़ा हैवी है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, समझ नहीं आता वो सब्जेक्ट ज़्यादा, तो हम वहाँ पे अपने एग्जम्पशन वाले मार्क्स से कॉम्पनसेट कर लें एंड ओवरऑल हमारा ग्रुप निकल जाए। तो कॉस्ट ऑडिट इज वन सच सब्जेक्ट जिसके साथ आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, एंड एग्जम्पशन स्कोर करके मोर देन 60 मार्क्स भी स्कोर करके आप अच्छे से अपने पूरे ग्रुप भी निकाल सकते हैं, आपका बहुत अच्छी एक ओवरऑल परसेंटेज भी बन सकती है। इसीलिए मेक श्योर कि जो चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी ए में बता रही हूँ वो आप ज़रूर अच्छे से करके जाए, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस, देन आपके स्टडी मटेरियल्स, जो भी आप मटेरियल जिससे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, पास्ट ईयर के एटलीस्ट मिनिमम 5 पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप ज़रूर 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 करके जाएँ, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो एंड बहुत ईजीली आप हर चीज़ को क्रैक कर पाए। देन ये चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं ये सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, जिनके आगे ऑलरेडी सी लिखा है। कॉर्पोरेट इमेज की वैल्यूएशन बहुत कम मार्क्स का आता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट अगेन द सेम थिंग। लास्ट के ये जो तीन चैप्टर्स हैं ये यहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं कैटेगरी बी में। ये तीन चैप्टर्स आपको कैटेगरी बी में जो हैं वो इसलिए दिए हैं कि
थोड़ा थोड़ा कभी कभी इनमें से कुछ ना कुछ आता रहता है, जैसे डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके की ऑडिट होती है, फोरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये कुछ ऐसे दो तीन चैप्टर्स हैं जिनमें से थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि इनके आप अच्छे से गो थ्रू करें इनके चैप्टर के कॉन्टेंट को, एंड थोड़ा बहुत इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख के जाएं। जो कैटेगरी सी है उनको आप चाहे तो अपने रिवीजन में अभी रोक के ए और बी कैटेगरी की रिवीजन करके फिर किसी और सब्जेक्ट के रिवीजन के सेम ए और बी कैटेगरी की रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन हमेशा ए बी सी के हिसाब से करें। कोर्स कंप्लीशन में भी देखें कि आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अगर अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो कौन कौन से चैप्टर्स आपने छोड़े हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चैप्टर आपने लेंदी समझ के छोड़ा हो वही सबसे ज्यादा मार्क्स का आता हो, या फिर जिसकी आपकी प्रिपरेशन सबसे ज्यादा वीक हो वही सबसे ज्यादा मार्क्स का आता हो, एंड बाकी सब जो आपने किया है वो कम मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में, तो भी आप किसी भी तरीके से अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन एंड रिविजन सब कुछ एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ही आगे के लिए प्लान आउट करें। ये आई होप कि आपने सब कुछ मार्क कर लिया होगा अपने स्टडी मटेरियल्स के अंदर, और जिस भी तरीके की आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मटेरियल वाइज हेल्प चाहिए, कुछ भी है, तो आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। बहुत सारे लोगों को डेली वी आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल्स, वी आर प्रोवाइडिंग द हैंड रिटन नोट्स, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, सॉफ्ट कॉपीज वगैरह सबकी जो है ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर द सेम। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, जो कि शायद जो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है, वो ये है कि अराउंड 300 to 350 MCQs का एक मैंने सेट प्रिपेयर किया है, विच आई एम गिविंग टू द स्टूडेंट्स जिनको भी चाहिए, जिससे कि उनका एक थॉरो ओवरऑल रिविजन हो जाता है MCQs अलॉन्ग विद द आंसर्स, विच इज प्राइस्ड एट जस्ट ₹250। 300 to 350 क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, एंड अगर आपको वो चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, ओवरऑल एक थॉरो रिवीजन आपकी हो जाती है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज 350 क्वेश्चंस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट ओनली इज सफिशिएंट इनफ एंड आई थिंक मोर देन सफिशिएंट फॉर ओवरऑल रिवीजन। एंड वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है वो हर चीज़ के लिए पॉइंटर्स याद रखने के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन में एक वो एड ऑन हो जाता है। तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन द नंबर मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड वी गाइड यू विद द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर CMA फ्रेंड्स जो भी अभी फिलहाल ये ग्रुप 4 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का एग्जाम दे रहे हैं। ABC एनालिसिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दीज एंड मंथ्स, क्योंकि यहीं पे आपका रिविजन, यहीं पे आपका प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज वगैरह जो है वो और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो आपकी 6 months बैक होती हैं। सो डो नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट थिंक दैट यू नो डूइंग ईच एंड एवरी थिंग द वे इट इज विल चेंज समथिंग फॉर यू। मेक योर ओन स्ट्रैटेजीज एंड स्टडी विथ ऑल द डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दैट आर यू नो देयर फॉर यू, एंड जस्ट लाइक आई ऑलवेज से आई एम ओनली अ मैसेज अवे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर अपकमिंग June 2024 अटेम्प्ट एग्जाम्स। आई होप दैट यू ऑल पास विद फ्लाइंग कलर्स, एंड आई जेन्युइनली होप दैट यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एवरी वन, टेक केयर।